पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन YouTube के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है, लेकिन YouTube में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319699927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कोरोना से इलाज के दौरान आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर राम टेकर का गोंदिया में निधन। नगरीय निकाय चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया हुई पूरी। बालाघाट नगर पालिका में रहेगा महिला पार्षदों का दबदबा। कोरोना की भयानक स्थिति को देखते हुए प्रबुद्धजनों और आम नागरिकों ने की लॉकडाउन की मांग। बालाघाट बैहर मार्ग पर आवागमन के लिए प्रशासन ने दी हरी झंडी। मलेरिया कार्यालय में पॉजिटिव मिला कर्मचारी, 3 दिनों के लिए सील किया गया कार्यालय। और अब खबरें विस्तार से। शहर के मोतीनगर वार्ड नंबर 33 निवासी आयुर्वेदिक चिकित्सक वन विभाग से सेवानिवृत्त हुए सीसीएफ के वरिष्ठ स्टेनो डॉक्टर वाई आर रामटेकर उम्र 65 वर्ष का कोरोना से गोंदिया के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। बता दें कि बीते दिनों में डॉक्टर रामटेकर की रिपोर्ट कोरोना वायरस पॉजिटिव मिली थी, जिसके बाद उपचार के लिए गोंदिया के निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया था। इसी बीच इलाज के दौरान 24 सितंबर की शाम करीब 5 बजे उनका निधन हो गया। डॉक्टर वाई आर रामटेकर अपने पीछे पत्नी, 4 पुत्री, 1 पुत्र डॉक्टर दीपांकर रामटेकर को छोड़ गए हैं। बता दें कि डॉक्टर रामटेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के एक बड़े आयुर्वेदिक के जानकार चिकित्सक थे। बालाघाट जिले के साथ साथ तीनों राज्यों के कई मरीज इलाज के लिए इनके पास पहुंचते थे। कोरोना से जिले के भीतर लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। बीते दिनों ही बालाघाट में 3 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं कुछ दिनों से लगातार गोंदिया में इलाज के दौरान लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। नगरीय निकाय चुनाव बालाघाट नगर पालिका के लिए वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया 24 सितंबर को आखिरकार पूरी हो गई है। इसके साथ ही यह तय हो गया कि नगर पालिका में महिलाओं का दबदबा रहने वाला है। चलिए जानते हैं कि आरक्षण की अंतिम प्रक्रिया का क्या परिणाम आया और भविष्य में नगरी निकाय की क्या तस्वीर होगी। 24 सितंबर को बालाघाट SDM KC बोपचे की मुख्य उपस्थिति में वार्ड नंबर 13, 14 और 29 के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करवाई गई। आरक्षण प्रक्रिया के परिणाम के अनुसार शहर के वार्ड नंबर 14 और 29 को अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं वार्ड नंबर 13 को अनुसूचित जाति के लिए मुक्त रखा गया है। मतलब साफ है कि इस वार्ड में महिलाएं या पुरुष कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस आरक्षण की प्रक्रिया के पूरे होने के साथ ही यह तस्वीर भी साफ हो गई कि शहर के 33 वार्डों के लिए कुल 19 वार्डों में महिला पार्षद नेतृत्व करेगी, तो वहीं शहर के 14 वार्डों में पुरुष पार्षद नेतृत्व करेंगे। आपको यहां बता दें कि शहर के अन्य वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पहले ही पूर्ण करवाई जा चुकी है। दरअसल शहर के 3 वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया के लिए लगाए गए दावे आपत्ति को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश शासन नगरीय निकाय विभाग भोपाल के द्वारा इन वार्डों के आरक्षण प्रक्रिया पुनः करवाई गई। बालाघाट नगर पालिका में वार्डों का आरक्षण हुआ था, जिसमें AC के 3 वार्ड आरक्षित थे। इसमें से 50% तक आरक्षण के निर्देश के तहत 1 वार्ड महिला के लिए आरक्षित किया गया था। चूँकि अब शासन द्वारा दोबारा मैंने पुनरीक्षित निर्देश प्राप्त हुए हैं और उन्हीं के तत्वपालन में पुनः हमारे आरक्षण की, महिलाओं के लिए आरक्षण की कार्रवाई की गई है AC वर्ग में, जिसमें आज जो आरक्षण की प्रक्रिया में वार्ड क्रमांक 14 और 27-29 ये महिला के लिए हुआ है। कोरोना ने जिले में कहर बरपा रखा है और इस कहर से अब स्वास्थ्य विभाग भी अछूता नहीं रहा है। आज स्वास्थ्य विभाग के DPM की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। जहां एक ओर CMHO होम क्वारंटाइन हो गए,
तो वहीं करीब आधा दर्जन से अधिक स्वास्थ्य अधिकारी भी होम क्वारंटाइन में चले गए। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान सीएमएचओ मनोज पांडे ने बताया कि रात्रि में स्वास्थ्य विभाग के डीपीएम की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसको लेकर पूरी तरह से सावधानी बरती जा रही है और काफी स्वास्थ्य अधिकारियों को होम क्वारंटाइन की सलाह दी गई है। कोविड 19 मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिले के अमूमन सभी तहसील मुख्यालय में कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बैयर तहसील मुख्यालय में भी कोविड सेंटर बनाया जा रहा है, लेकिन इस कोविड सेंटर में स्थानीय जनों को बहुत अधिक आपत्ति है। इस बात की शिकायत उनकी ओर से बाकायदा SDM गुरु प्रसाद से की गई है, लेकिन उन्होंने लोगों को समझाइश देकर बेरंग वापस लौटा दिया। दरअसल स्थानीय जनों ने बताया कि बैयर में जो कोविड सेंटर बनाया जा रहा है वह रिहायशी क्षेत्र और घनी बस्ती के बीच में है। यही नहीं, कोविड सेंटर ऐसे स्थान पर जो पोषण पुनर्वास केंद्र के निकट है, जहां पर रोजाना ही नन्हे बच्चों को एडमिट किया जाता है। यही नहीं, कोविड सेंटर के निकट ही शहर का वार्ड नंबर 7 है, जो बहुत अधिक घनी बस्ती है। यदि थोड़ी भी लापरवाही यहाँ बरती गई तो कोरोना वायरस से यहाँ के वार्डों के भीतर बड़ी तेजी से स्प्रेड हो सकता है। बावजूद इसके SDM गुरु प्रसाद के द्वारा स्थानीय जनों को समझाइश देकर उन्हें बेरंग लौटा दिया गया और कह दिया गया जो व्यवस्था की गई है वह बैयर पिरसा परसवाड़ा के लोगों के लिए है, इसमें कोई भी दखल अंदाजी ना करे। जानकारी के अनुसार 25 मरीजों के लिए यहाँ कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। स्थानीय जनों के अनुसार पूर्व में शहर से 3 किलोमीटर दूर कन्या परिसर में क्वारंटाइन सेंटर यहाँ पर बनाया गया था। उनकी मांग है कि इस स्थान पर कोविड सेंटर बनाया जाए जो शहर से दूर है और किसी तरह का संक्रमण फैलने का खतरा भी नहीं है। ग्रामीण थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम नेत्रा के भीमसेन टोली के समीप नाले में एक वृद्ध की लाश बरामद की गई। मृतक वृद्ध गणेश पिता दामाजी देवारे 60 वर्ष वार्ड नंबर 2 नेत्रा निवासी है, जिसकी नाले में पैर फिसलने से मौत होने की संभावना व्यक्त की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 सितंबर की रात्रि गणेश देवारे ने अपने परिजनों के साथ खाना खाया और सो गया था। 23 सितंबर को सुबह गणेश देवारे घर में दिखाई नहीं दिया, तब परिवारजनों ने उसकी खोजबीन की। खोजबीन के दौरान गांव के ही परदेसी लीलार के खेत के किनारे नाले में बबूल के पेड़ में अटकी हुई एक वृद्ध की लाश देखी गई। बालाघाट जिले के भीतर कोविड के केस को देखते हुए अब प्रबुद्ध जनों से लेकर आम नागरिक तक एक ही मांग कर रहे हैं कि सरकार अब जल्द से जल्द जिले में लॉकडाउन लगाए, ताकि जीवन की रक्षा कर रहे चिकित्सक से लेकर आम आदमी इस संक्रमण की जद में आने से बच सके। जिले के प्रबुद्ध जन कहते हैं कि सरकार को जिस समय लॉकडाउन करना था उसका यह सबसे उचित और बेहतर समय है, क्योंकि इस समय संक्रमण जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसकी रफ्तार को रोकने के लिए लॉकडाउन बहुत अधिक जरूरी है, वरना आगामी दिनों में स्थितियां और अधिक भयानक हो सकती है। लॉकडाउन की जरूरत अभी है मेन, जब संख्या कम थी उस समय अच्छा लॉकडाउन था, लेकिन अब तो संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, तो वास्तव में लॉकडाउन तो अब होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में जब डॉक्टर लोग भी संक्रमित होंगे तो उनके संपर्क में आने वाले मरीज तो संक्रमित होते जाएंगे। जब सेवा करने वाले डॉक्टर ही अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो उनकी मानसिकता किस हालत में होगी, फिर वो अपने मरीजों का ट्रीटमेंट किस प्रकार से कर पाएंगे। तो हम शासन प्रशासन से ही सारी गुजारिश करते हैं कि वास्तव में अब इस जो घड़ी आई संकट की घड़ी, इसमें वास्तव में लॉकडाउन होना चाहिए। चाहे किसी प्रकार से अपना एक नियम बना करके हो, चाहे पब्लिक को जागरूक करके हो, करना चाहिए। इस विषय पर जानकारी यह है कि शासन को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया जाना चाहिए कि वह आगामी 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर रही है, जिससे लोगों को परेशानी भी ना हो और संक्रमण को भी रोका जा सके। यही नहीं, इस संक्रमण को आगे बढ़ने से रोकने के लिए टेस्ट बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे हर पॉजिटिव व्यक्ति की जानकारी जल्द से जल्द मिल सके। अभी जैसे केस बढ़ रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में, तो मेरा मानना है कि जैसा पहले लॉकडाउन लगाया गया था कम से कम 21 दिन का लॉकडाउन लगना चाहिए। मैंने इस बाबत विभिन्न समाचार माध्यम से और जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से मैंने अपील की थी कि पुनः एक हफ्ते की तैयारी करके और 21 दिन का लॉकडाउन लगाना चाहिए। प्रशासन को संपूर्ण सचेत होकर पूरा लॉकडाउन लगा करके और हॉस्पिटल में बेड्स की संख्या और टेस्टिंग बढ़ाना चाहिए। वो मेन जो है लोगों की टेस्टिंग नहीं बढ़ रही, इसके कारण से ये ज़्यादा फैल रहा है। टेस्ट अगर ज़्यादा लोग ट्रेस हो जाएँ तो इसको लिमिट किया जा सकता है, इसको बताया जा सकता है, लोगों को कर सकते हैं। स्थानीय नागरिक बताते हैं कि शासन अपनी ओर से काम कर रहा है, लेकिन उससे और बेहतर काम करने की जरूरत है।
इसके लिए शासन को स्वयं योजना बनाना चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए जिससे कि कोरोना से लोगों को बचाया जा सके। डर भाव भावना लग रहा है, डर टाइप का डर, क्योंकि अपने को किसी से संपर्क ना रहे, दूर रहे, ऐसा कोरोना से बचाव रहना चाहिए ना, दूर रहो, मास्क वगैरह पहनो, ये सब प्रशासन तो काम कर ही रही है, दे रही, उनको तो कर ही रहे ना भाई, आप दूर रहो, सुविधा से रहो। वारासिनी थाना अंतर्गत 16 वर्षीय युवती से छेड़छाड़ करने वाला मदनपुर निवासी सागर पटले को पुलिस ने 24 सितंबर को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग 16 वर्षीय लड़की 17 सितंबर को मदनपुर स्थित टेकाम किराना दुकान में किराना सामग्री खरीदने गई थी। तभी सागर पटले नाम का युवक मदनपुर निवासी दुकान आकर छेड़छाड़ करने लगा, जिससे प्रार्थी ने मना किया तो युवक ने प्रार्थी के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी, जिस पर ग्रामीण लोग दौड़कर आए तो युवक भाग चुका था। नाबालिग पीड़िता के साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ। आरोपी को लगातार 2 दिन की तलाश रहती है, क्योंकि आज मदनपुर से सागर पटले नाम का पकड़ा गया है, जिसे अभिरक्षा में पूछताछ किया गया। कब की घटना हुई? ये 22 तारीख। उन्हें आरोपी गिरफ्तार कर कहाँ भेजा जा रहा है? जेल दाखिल करना है, न्यायालय पेश कर रहे हैं। कलेक्टर दीपक आर्य ने बालाघाट बहियार मार्ग के सुधार और मरम्मत कार्य पूर्ण होने के बाद इस सड़क पर 2 पहिया वाहनों, 3 पहिया वाहनों और हल्के 4 पहिया वाहनों को सुधार और मरम्मत वाले स्थानों पर धीमी गति से आवागमन करने की अनुमति दे दी गई है। बता दें कि ये मार्ग अगस्त के अंत में ही अतिवृष्टि के कारण गांगुलपारा जलाशय से लेकर बंजारी तक कुछ स्थानों पर पहाड़ टूटने से सड़क धसक गई थी और क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके कारण इस सड़क से सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन बंद करा दिया गया था। सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा बालाघाट बैहर सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत व सुधार कर उसे अब आवागमन के लायक बना दिया गया है। वर्तमान में इस सड़क पर हल्के वाहनों को ही आवागमन की अनुमति प्रदान की गई है। जिला मलेरिया कार्यालय विगत 3 दिनों से बंद है और इस कार्यालय के अधिकारी सहित तमाम कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 19 सितंबर को मलेरिया को लेकर जिला मलेरिया कार्यालय में NRHM प्रबंधक सत्येंद्र पांडे के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें कटंगी के मलेरिया निरीक्षक भी शामिल हुए थे, लेकिन उनकी कोरोना रिपोर्ट आने के बाद मलेरिया के विभागीय स्टाफ को CMHO मनोज पांडे के निर्देशन में होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई है। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान जिला मलेरिया अधिकारी राम कुमार भलावी ने बताया कि मलेरिया निरीक्षक के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सभी कर्मचारियों को 5 दिन के लिए होम क्वारंटाइन करने की सलाह दी गई है। इस वजह से कार्यालय को भी बंद किया गया है, लेकिन कार्यालय को सैनिटाइज कर दिया गया है। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।